नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपने जेक्वार के जो नया वाला कंसील टैंक आता है उसमें अगर ओवरफ्लो हो जाए या लीकेज हो या कुछ भी समस्या हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आपको करना है कि प्लेट है इसको आपको हटानी है। नीचे की साइड से आप ऊपर की तरफ करोगे तो ये प्लेट का लॉक हट जाएगा। इसके बाद में आपको दोनों साइड से लेफ्ट राइट साइड से इसके लॉक को ओपन करना है। ओपन करने बाद में बीच वाले को निकाल लेना है और निकालने के बाद में इसके दोनों इसमें लॉक है तो दोनों साइड से मेरे एक हाथ में कैमरा है इस वजह से मैं दबा नहीं सकता एक साथ। तो मैं कहता हूँ क्या डेली का काम है तो मेरे बाएँ हाथ का खेल है। तो इसको निकाल लिया आपने। निकालने के बाद में आपको जो वॉल कॉक शो कर रही है दोस्तों, ये वॉल कॉक है तो इसको आपको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए या तो आपके बाहर एंगल वाल लग रहा होगा, अगर एंगल वाल नहीं है तो आपको अंदर से जो टी आती है इसके अंदर एंगल वाल आता है वहाँ से बंद कर देना। अभी ये फिलहाल मैंने बंद कर रखा बाहर से, क्योंकि अंदर से बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसके वॉल को निकाल लिया। वॉल को निकालने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ये ऊपर वाला नट है इसको हटा दीजिए। ये मैंने नट खोल दिया, इसका नट खुल गया। ये नट आपका ओपन हो गया और इसके बाद में ये जो डंडे वाला आता है ब्लैक वाशर इसको आपको हटा देना है। तो इसमें ये हमने कैप हटा ली। कैप हटाने के बाद में इसके मेरे एक हाथ में फोन है इसलिए मैं इसे निकाल रहा हूँ। इसके अंदर के वाशर वगैरह आती है इनको निकाल लिया। इसको निकालने बाद छोटी सी ओरिंग है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है इसको पानी के प्रभाव में नहीं रहना। ये इसमें भी निकल जाती है और उसके अंदर वॉलको के अंदर भी रह जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। छोटी बहुत सी छोटी रिंग आती है मामूली सी। इसके बाद में इनको जो मिट्टी वगैरह आ रही है इनको अच्छी तरह से साफ कर लेना। अगर इसमें फ्लोराइड या नमक वगैरह जम रहा है तो इसको हर रिंग में अच्छी तरह से डुबो के साफ कर लेना है कि इससे कि पूरा हर पैक हट जाए। और इसको एक एक पार्ट को अच्छी तरह से साफ करके और धो के एक साइड में रख देना है ताकि किसी में भी कंकर वगैरह या कोई भी छोटा सा भी कचरा नहीं रहे। अगर कचरा रहेगा तो फिर आपके लीक वगैरह या कुछ भी कर सकता है और ओवरफ्लो करेगा, वॉल को काम नहीं करेगी यार, इसमें पानी आना बंद हो जाएगा या फिर। तो फिर अब आगे हम इसको फिट करते हैं। इसको ऐसे करके इसमें वाशर लगाना है, इसमें नीचे वाली साइड में रहना चाहिए। ऐसे आप अगर वॉल को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा पार्ट कैसे सेटअप में है। ये अपने ये लगा लिया, ये छोटा सा जो वाशर है ये वाशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने धो लिया लेकिन मेरा ध्यान से धोना, कि यहाँ से छूट जाएगा तो फिर आपको मिलेगा नहीं है, डायरेक्ट नाली में जाएगा। इसको ध्यान से धो के लगा लेना है। अगर ये वाशर नहीं रहेगा तो आपके या तो पानी बहुत कम आएगा और ये काम नहीं करेगा वॉल को। ये वाशर इसमें एयर का काम करता है। अब ये वॉल को धो ली मैंने, यहाँ पे वो कचरा वगैरह होता तो वो निकल गया है। और तो बजरी वगैरह कण आ जाते हैं, नई नई लाइन होती है तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने इसमें फिट करना है तो इसको इस शेप से बनी हुई इसमें शेप के अनुसार इसमें फिट कर दीजिए। थोड़ा सा घुमाएंगे एडजस्ट करेंगे तो ये फिट हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर आपने एक बार खोल लिया तो फिर आपके बाएं हाथ का खेल है। ये इसके ऊपर कैप लगानी है जो जाली टाइप की आती है, इसके ऊपर ये एक वाशर लगाना है ब्लैक वाला वाशर, थोड़ा सा ध्यान से लगाना है। इसकी रिंग अंदर बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शेप में होना चाहिए। इसका लोह लगा दिया, इसके बाद में इसके ऊपर वाला जो कवर है वो लगा देते हैं। बोल्ट हैं ये दोस्त, बोल्ट अभी जो पकड़ रखी है मैंने सेप, उस सेप के अंदर ये अपने लेफ्ट साइड में रहना चाहिए, लेफ्ट साइड में इसका रहना चाहिए तभी वो अंदर इसके ऊपर बंद होगा। और आराम से ऐसा ऐसा उस साइड में रख के बंद कर दीजिए। ये अपना बोल्ट को कंप्लीट हो गया है। अब इसमें मैं अंदर लगाते हैं इसको, इसका थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। कई बार क्या ज़्यादा ऊपर रख देते हैं अपन तो ओवरफ्लो करता है, डायरेक्ट इनलेट पानी आउटलेट हो जाता है। ये मैंने वॉल को इसमें पीछे लोक आता है, इसमें जो वॉल को के अंदर आता है उस वॉल को के ये ऐसे बिठा देना आपको इसमें, ये बैठ गया। और खोलने के लिए इसके ऊपर से दबाना पड़ता है तो वो बाहर निकल आता है। ऊपर से दबा के नीचे से जोर लगाओगे
पानी निकलेगा। ये मैंने पानी चला दिया, इसमें पानी चला के थोड़ी देर तक रखना होता है। ऐसे मैंने पहले काफ़ी देर तक चला दिया था वीडियो बनाने से पहले, इसको एक दो बार बंद चालू करके करना है इससे, ताकि इसमें कोई भी कचरा वगैरह हो तो कचरा वगैरह सारा निकल जाए। ये मैं एक बार वो इसका एंगल वाल से यहाँ से बंद कर देता हूँ, फिर बाद में इसको आराम से लगाना है। अगर नहीं लग रहा तो आपको इसके ऊपर ग्रीसिंग वगैरह कुछ लगा दिए, नहीं तो वो छोटी वाली रिंग होती है वो कट जाएगी, तो फिर वो बूंद बूंद पानी गिरेगा यहाँ से। ये सही से फिट कर देता हूँ। ये मैंने चालू कर दिया, मैंने इसका प्लस पूरा खाली कर दिया। मैं चेक करता हूँ, एकदम डन है। अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो वाशर के बिचने की आवाज़ आएगी, यानी एक मतलब ट्रिक ट्रिक जैसी आवाज़ आएगी। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ, इसके जो भी है पूर्ति वगैरह, इसके एक्सेसरीज, ये मैंने लॉक, इनके लॉक टाइप का होता है, बिल्कुल लॉक टाइप का होता है। इसमें आपको एकदम प्लास या पेचकस किसी भी अपने हाथों से काम करोगे आप, इसमें किसी भी चीज़ की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने इसको लॉक में बिठा दिया है, ये यहाँ पर नीचे बैठाने के बाद में आपको ऊपर की साइड धकेलना है, ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। ये हो गई, अब आपको प्लेट लगानी है। ये मैंने प्लेट लगा दी, एक हाथ में मोबाइल है इस वजह से दिक्कत आ रही है। ये मैंने प्लेट लगा दी, ये प्लेट लग गई आपकी। अब आपको दोनों साइड के लॉक लगाने हैं। ये दोनों साइड के लॉक लगे। आप क्रोम प्लेट को चढ़ाते हो दोस्तों ध्यान रखा करो, क्योंकि उसको बहुत उसमें बहुत ही नाजुक लॉक आते हैं, प्लास्टिक आते हैं जो कि टूट जाते हैं हल्के से, तो आपको तरीके से काम करना है उसके लिए। उसके नीचे से आपको बिल्कुल जगह सेफ होनी चाहिए, नीचे से आपको नीचे जोड़ लगा के फिर बाद में अंदर की तरफ दबाना है, फिर बाद में ऊपर की तरफ ले जाना, फिर बाद में वापस नीचे छोड़ दोगे तो लॉक हो जाएगी। नीचे से दबा, ये नीचे से मैंने ऊपर की तरफ दबाई, ये ऊपर की तरफ लॉक होने वाली है, ये ऊपर की तरफ, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ करूँगा, ये लॉक हो गई, ये लॉक हो गई। अब मैं इसको फ्लश करता हूँ, ये अपना अच्छी तरह से फ्लश करने के लग गया। पहले क्या है कि इसमें लीकेज हो रहा था और टंकी भरने में भी टाइम ले रही थी, जो कि इसका सोल्यूशन हो गया। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को, जिसको भी इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि वो इमरजेंसी में तुरंत ही इसका काम कर सके। धन्यवाद दोस्तों।